तो यार आज हम फिर एक बार बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा ऑसम और अमेजिंग अपडेट्स के बारे में, जिनको सुनकर तुम्हें काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना, वरना तुम बहुत सारी अपडेट्स को मिस कर दोगे और बाद में मुझसे कहोगे कि ज़ेनड्रैगो एक्स ये तो यार स्यापा हो गया। इसी के साथ गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल पहले पता चल जाएगी, जिससे आप अपने फेवरेट शोज को कभी भी मिस नहीं करोगे। इसी के साथ हम 100K के कम्युनिटी बनने के काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो अगर आप एनिमे पसंद करते हो या फिर एनिमेशन पसंद करते हो और उसकी न्यूज़ से एकदम वाकिफ रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबा देना, जिससे हम एक अच्छी कम्युनिटी बन जाएंगे और एनिमे के कल्चर को इंडिया में और भी ज़्यादा फैला पाएंगे। तो चलो वीडियो के अंदर। तो हमारी पहली अपडेट है बुंगो स्ट्रे डॉग सीजन 4 जो है वो शुरू हो चुका है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप देखकर एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद ब्लैक रॉक डाउनफॉल शूटर की एनिमे जो है वो हिंदी डब के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल हो चुकी है, तो आप उसे देखकर उसका मजा उठा सकते हो। इसके बाद माई मास्टर हैज़ नो टेल की एनिमे नेटफ्लिक्स पर आने वाली है January 12th को, तो सब्सक्रिप्शन है तो देखकर एंजॉय कर लेना। इसके बाद इंस्पेक्टर सीजन 2 म्यूज इंडिया की यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो चुका है, तो आप उसे फ्री में जाकर देख सकते हो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। इसके बाद गॉब्लिन स्लेयर सीजन 2 स्केड्यूल्ड है 2023 में, और गॉब्लिन स्लेयर सीजन 1 जो है वो काफी इंटरेस्टिंग एनिमे है, आपको देखनी चाहिए। स्पेशली उसका एक सीन बहुत ही लाजवाब है, देखकर मजा आ जाएगा आपको, सर्च मत करना बता रहा हूँ। इसके बाद जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड की एनिमे स्केड्यूल्ड है July 2023 के लिए, विच इज नाइस। इसके बाद द सर्जेंट के और सीजन 16th जनवरी दोपहर के 3 बजे सोनी ए पर आने वाली है। ये सोनी ए की नई एनिमे होने वाली है। ये 2022 में आने वाली थी पर कुछ कारणवश इसे डीले किया गया था, पर अब ये जनवरी को आएगी, तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। इसके बाद डोरेमोन की नई मूवी नोबिता चला चांद पर January 22nd सुबह की 10:30 बजे हंगामा चैनल पर आने वाली है। तो बहुत दिनों के बाद डोरेमोन की एक नई हिंदी तमिल तेलुगु डब्ड वाली मूवी हमें देखने को मिलने वाली है, तो देखकर एंजॉय कर लेना। इससे कुछ दिनों पहले पोकेमोन की भी एक नई मूवी हंगामा पर आई थी, सो दैट्स नाइस कि डोरेमोन और पोकेमोन की नई मूवीज़ आई है। पर मैं सोच रहा हूँ शिनचैन की नई मूवी कब आएगी, इस बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा और कोई न्यूज़ भी हमें मिल रही नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है शिनचैन को लेकर। इसके बाद टेल ऑफ आउटकास्ट की जो एनिमे है वो संडे को क्रंची रोल पर आने वाली है, तो देखकर एंजॉय कर लेना। इसके बाद विंडलैंड सागा सीजन 2 अब नेटफ्लिक्स पर शुरू हो चुका है, तो आप उसे देखकर एंजॉय कर सकते हो, और साथ ही साथ विंडलैंड सागा सीजन 1 अब क्रंची रोल पर भी अवेलेबल है, तो आप चाहे तो उधर से भी देख सकते हो, पर सीजन 2 शायद से सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। इसके बाद ईटीवी बाल भारत ने एनिमे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चतुर वाली यहाँ पर मार्केटिंग की है, तो उन्होंने कुछ शहरों में ये बिलबोर्ड्स लगाए हैं कि एनिमे मांगोगे तो एनिमे मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर हम तो यू नो ईटीवी बाल भारत से वाकिफ़ है कि वहाँ पर क्या क्या आता है, बट कुछ कुछ लोग जो ऑफिस में जाते हैं या फिर कॉलेजेस में जो होते हैं वो लोग टीवी नहीं देखते, वो लोग एनिमे भले ही पसंद करते हैं, एनिमे देखना पसंद करते हैं, पर वो काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा सीक्रेसी में देखते हैं, ज़्यादा उसके बारे में बातें नहीं करते और ऑनलाइन ही देखते हैं ना। तो इसी के साथ वो लोग किसी एनिमे ट्यूबर्स को सब्सक्राइब भी नहीं करते इंडिया के, तो वो लोग लाइक एनिमे देखते हैं और उनका काम हो जाता है। पर ईटीवी बाल भारत के टीवी चैनल पर एनिमे आता है या फिर कहाँ का एनिमे आता है ये बहुत लोगों को पता नहीं है, तो ईटीवी बाल भारत ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया कि वो लोग दिखा रहे हैं कि हमारे पास भी एनिमे है, तो अगर कोई टीवी देख रहा है या फिर किसी को अगर पता नहीं तो वो लोग भी आकर देख सकते हो, क्योंकि लेजेंड ऑफ कोरा बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है भाई ईटीवी बाल भारत पर। तो उम्मीद करता हूँ ईटीवी बाल भारत आगे चलकर कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे एनिमेज दिखाएगा, क्योंकि फ़िलहाल वो लोग कुछ कुछ चाइनीज़ एनिमेट्स भी दिखा रहे हैं, पर अगर जापानीज़ एनिमेट्स ज़्यादा दिखाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, यानी कि कुछ भी मेजर टाइटल्स दिखा तो भाई मस्त टीआरपी मिलेगी तुमको। इसके बाद एजेंट एल्विस नाम की एनिमे बहुत ही जल्दी नेटफ्लिक्स पर आने वाली है, सो देखते हैं वो कब आएगी, एंड इट साउंड्स इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। इसके बाद एक सैड न्यूज़ है यहाँ पर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ INB ने टीवी चैनल्स के अगेंस्ट कुछ कॉशंस
रिलीज की है, यानी कि उनको कुछ वार्निंग्स दी है। तो वो टीवी चैनल्स को वार्न किया है कि अगर वो लोग वॉयलेंस और ब्लड वाले फुटेजेस दिखा रहे हैं तो उसके ऊपर उनको रोकना पड़ेगा। तो उसके ब्रॉडकास्टिंग को लेकर ऐसी वार्निंग्स दी गई है INB के द्वारा, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसे ब्लड वॉयलेंस और गोर इमेजेस को देखकर बच्चों पर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। पर यहाँ पर अच्छी बात है, ये सिर्फ टीवी के न्यूज़ चैनल्स के लिए ही लागू होती है ये जो रूल्स है। फिलहाल तो ये लोग सिर्फ टीवी चैनल्स के न्यूज़ वाले सेक्शंस के लिए, यानी कि सिर्फ न्यूज़ चैनल्स को ही ये रूल दिया गया है। तो यहाँ पर किड्स चैनल्स की बात नहीं हो रही, तो किड्स चैनल्स आर काइंड ऑफ सेफ, पर ये लोग बात कर रहे हैं किड्स की सेफ्टी के बारे में, यानी कि बच्चों पर उसका बुरा असर होता है। तो इस बच्चों के चक्कर में ये धीरे धीरे बच्चों वाले चैनल्स पर भी आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं नारुतो में कुछ कुछ ब्लड सीन्स है जो सोनी, ये अच्छी बात है, कट नहीं कर रही, यानी कि वो लोग सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन दिखा देते हैं, यानी कि स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। तो हमको आइडिया तो पता चलता है कि वह खून खराबा हो रहा है, पर वो रेड कलर दिखता नहीं है क्योंकि स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। तो दैट्स नाइस कि सोनी ये कम से कम सेंसरशिप कर रही है, कम से कम कट्स लगा रही है, ताकि हमको भी नारुतो के फुल मज़े मिल पाए। पर सेंसर बोर्ड का कुछ कह नहीं सकते, उस ब्लैक एंड वाइट चीज़ में भी वो लोग देखेंगे कि भाई इसमें खून खराबा हो रहा है, बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है, तो आगे चलकर इसको भी ये लोग कट कर सकते हैं। तो आई होप कि ऐसा कुछ ना हो और ये रूल सिर्फ न्यूज़ चैनल तक ही सीमित रहे, आगे इसके ना बढ़ो तुम लोग, क्योंकि भाई एक तो मुश्किल से हमको इंडिया में कुछ अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि भाई पाकिस्तान में किड जोन HD वाला चैनल है, वहाँ पर तो वन पंच मैन के एपिसोड्स को बिना लिटरली 0% ऑफ सेंसरशिप के वो लोग पूरा दिखा रहे हैं, यानी कि खुल्लम खुल्ला। पर इंडिया की बात ही कुछ और है, तो देखते हैं यार क्या होता है। आई होप कि ऐसा कुछ सोनी है या फिर कोई भी दूसरे टीवी चैनल के साथ ना हो, क्योंकि भाई प्लीज़ एनीमे देखने को मिल रहा है भाई, उसमें सेंसरशिप मत लाओ तुम लोग। इसके बाद टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2 अब Disney+ हॉटस्टार पर अवेलेबल है, तो आप उसे देखकर एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद काफ़ी लोग कह रहे थे कि डिजिमॉन जो है वो कहाँ पर गया, तो तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है। तो डिजिमॉन एडवेंचर की सुपर संडे शुरू होने वाली है 22 जनवरी दोपहर के 1:30 से कार्टून नेटवर्क पर, तो इसके बैक टू बैक एपिसोड्स तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, सो दैट्स नाइस। और काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि ड्रैगन बॉल जी क्या कार्टून नेटवर्क पर शुरू होने वाला है, क्योंकि अब ड्रैगन बॉल सुपर जो है वो ख़त्म होकर काफ़ी टाइम बीत चुका है। तो मैं फिर एक बार कहूँगा कि जब अभिषेक दत्ता कार्टून नेटवर्क के नेटवर्किंग हेड थे तो उनका ये प्लान था, पर अब उत्तम पाल सिंह का प्लान क्या है मैं नहीं जानता। जब से उन्होंने रजीम संभाली है तब से हमने कोई नया शो कार्टून नेटवर्क पर तो देखा नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि डिजिमॉन एक नया शो था, तो डिजिमॉन भी अभिषेक दत्ता का ही प्लान था, वो लॉन्च करने ही वाले थे, पर उत्तम पाल सिंह के अंडर कोई नया शो आया नहीं है। एक बेंटन को उन्होंने फिर एक बार दोबारा टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया है, और इसके अलावा 15 टाइटन्स को पूरे दिन आता रहता है कार्टून नेटवर्क पर। तो आई डोंट नो कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, बट आई होप कि आगे कर वो कुछ एनिमेस लाए इंडिया में, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो कार्टून नेटवर्क को एनिमे का डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, पर एनिमे और कार्टून नेटवर्क का दूर दूर का रिश्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल। तो एक डिजिमॉन और ड्रैगन बॉल सुपर को ही बार बार ये लोग पेलते जा रहे हैं, यानी कि रिपीट करते जा रहे हैं। आई गेस इसकी राइट्स ख़त्म होने के बाद ही ये लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद द लेजेंड ऑफ वॉक्स की एक अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज जो है वो हिंदी डब के साथ अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल है, तो आप उसे भी देखकर एंजॉय कर सकते हो। तो आज के दिन हमने लिटरली 17-18 न्यूज़ कवर की कर दी है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो मैं जानता हूँ इसमें से ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था आपके हिसाब से, बट हर दिन इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं आती यार, और मैं जानता हूँ कुछ दिनों से वीडियोज़ भी थोड़ी लेट आ रही है, तो भाई काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, एंड हाँ यार मैनेज करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, बट आई फिगर इट आउट। तो भाई तुम लोग बस एक काम करना, तुम लोग बस सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज दैट इज़ ऑल आई नीड। बाकी का काम मैं संभाल लूँगा, वीडियोस तुमको पहुँचाते रहूँगा ताकि सारी अपडेट्स तुम्हें मिल जाए, तुमको बस सब्सक्राइब करना है। तुम्हारा वो एक सेकंड का काम मेरे लिए बहुत कीमती है, तो भाई तुम सब्सक्राइब कर देना, बाकी तुम मुझ पर छोड़ देना, न्यूज़ की चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ला के दे दूँगा, बस तुम सब्सक्राइब के बटन को दबा देना, एंड कीप वॉचिंग ZenDragoX।